Hello everyone, I am Dr. Vikas Modi, consultant orthopedics in UTI Getwell Hospital. I am doing here advanced joint reconstruction surgeries in UTI Hospital. So first I want to explain कि हम किस कंडीशन में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं। नॉर्मली हमारे नीज में ये 3 mm का कार्टिलेज होता है जो अच्छा होता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी अच्छी होती है। तो जो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उसमें एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन और ये 3 mm की लेयर होती है, ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये आपस में टकराते हैं तो पेनफुल होता है और क्रैकलिंग साउंड देता है। दिस इज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर पेशेंट्स एंड वेरी पेनफुल ऑल्सो। पेशेंट वॉक करने में भी बहुत दिक्कत होती है और पेशेंट की लाइफ स्टाइल बहुत हैम्पर हो जाती है। तो हम करते क्या है, इसमें जो ये 3 mm की लेयर है इसी को हम रिप्लेस करते हैं, ऊपर वाली फीमर बोन की भी और टीबिया बोन की। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जैसे एक रिप्लेसमेंट का एक मॉडल है जिसमें ये 3 mm की लेयर हटा के हम फीमर में ये रिप्लेस कर देते हैं और नीचे टीबिया बोन में इस तरीके से रिप्लेसमेंट होता है। बाकी हड्डी वही रहती है जैसे नॉर्मल रहती है, जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं वही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। पेशेंट का पहले 5-6 डेज थोड़ा पेनफुल हो सकता है लेकिन विद टाइम पेशेंट का पेन काफी बेटर हो जाता है। उसी तरीके के हमारे एक पेशेंट है, बाकी बातें वही। मेरा नाम नीलम राय हो, बेसी कुरा दुख्थ्यो अन्तखेरि यहाँनिर सर्जरी गर्न आएको, यहाँ अहिले त मलाई राम्रो लाग्छ होइन, हिजो पनि सुविस्ता भएको छ। पहिले त यस्तो थिएन, पुरा उयो गरेर हिँड्नुपर्ने थियो, लठिटेर हिँड्नुपर्ने थियो, अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ, मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। हेलो एभ्रिवन, मेरो नाम छुरेक शेर्पा है और ये मेरा आन्टी है। आन्टी हङकङमै थिए और उसका दोनों ही पेयर खत्म हो गया था, उसका नि में कुछ प्रॉब्लम आए थे और उसका नी के वजह से कुछ काम ही नहीं करती थी, चलने में दौड़ने में कुछ काम ही नहीं देता थे। इसलिए हम इधर हम खास में दार्जिलिंग के हैं और इधर सिलगढ़ी न्यूटिया में एक कंसल्टेंसी की वजह से हम इधर आया और सर के नाम से हमको पता चला ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर विकास मोदी, और सर से एक बात किया तो बात करते वक्त आज उसका पता चला कि उसका रिप्लेसमेंट होगा, नी रिप्लेसमेंट, और उसके वजह से आज मेरा आंटी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसका अभी 22 दिन हुआ है, 22 दिन में वो चलने लगा है अच्छे से, सब उसका सब लाइफस्टाइल ही चेंज हो रहा है, अभी कुछ तकलीफ ही नहीं है अभी। इसलिए हम विकास मोदी सर को भी थैंकफुल है, सर के लिए भी सब अच्छा ही है, जिसको भी ये हुआ है अच्छे से कर दे। सो हमारा पूरा जो ये पार्ट था कि ये समझाने का था कि इतने सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में इतने पेनफुल स्टेज में घर पे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत पेन है, यू शुड विजिट हॉस्पिटल, कोई भी नियर बाय हॉस्पिटल में दिखा के कंसर्न डॉक्टर जो रिप्लेसमेंट करते हैं वो करा लेना चाहिए। थैंक यू।